हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तवा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हमने रेडीमेड बेस लेना है पिज़्ज़ा और उसके ऊपर हमने लगानी है टमाटो सॉस। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर येलो रेड कैप्सिकम और एक प्याज। तो शिमला मिर्च को जो है अच्छे से लंबाई में हम चॉप कर लेंगे, प्याज को भी, और अच्छे से इसको बेस के ऊपर फैला देना है और हल्के हाथों से दबा देंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ पनीर। पनीर को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और हल्का सा इसको तवे पे रोस्ट किया था मैंने। आप चाहे तो कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से फैला देना है। तो ये झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा है। और अब हम यहाँ पर डालेंगे चीज़। चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं, चीज़ा ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है। जो चीज़ आपको मिल जाए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और अच्छे से जो है कद्दूकस करके हमने चीज़ को जो है बेस के ऊपर फैला देना है। और इसको अब हम रखेंगे तवे पर। अभी हमने गैस ऑन नहीं करनी है, हल्का सा तवे को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। और उसके बाद हमने रखना है बेस। और एक ऐसा बर्तन लेना है जिससे हम इसको अच्छे से कवर कर लें। बहुत प्लेट ऐसी मत लीजिएगा अगर पिज़्ज़ा, वरना उसमें चिपक जाएगा। थोड़ा सा देखिए, ये मोटा है, पराद है, तो आप अगर ऐसा बर्तन लेते हैं। और उसके बाद देखिए, एक धीमी आंच पर जो है इसको हमने 10 मिनट तक बेक करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स, हमारा तवा पिज़्ज़ा जो है बन गया है। और यहाँ पर चीज़ देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। और आप पिज़्ज़ा को जो है आप तवे पर भी बना सकते हैं। पहले इसकी सारी प्रिपरेशन कर लीजिए और उसके बाद आप इसको तवे पर रखिए और धीमी आंच पर। देखिए, मैं तवे में ही बना रही हूँ, ये मैंने आपके सामने ही बनाया है, तो तवे पर भी ये बहुत अच्छे से बेक हो जाता है। देखिए, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस जो हम चीज़ डाल रहे हैं उसको हमने कद्दूकस करके डालना है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एंजॉय कीजिए। तवा पिज़्ज़ा।